के साथ। पिछले दिनों गंगा, वरुणा व अस्सी नदी में बाढ़ के बाद जलस्तर घटने के कारण वाराणसी में डेंगू के कहर के साथ ही बच्चों में वायरल बुखार का द्रव बढ़ता ही जा रहा है। शहर के निजी से लेकर कई सरकारी अस्पतालों में बेड पर भर्ती मरीजों में अधिकतर लोग या तो डेंगू के शिकार हैं या फिर वायरल फीवर है। अकेले वाराणसी के शिव प्रसाद गुप्त चिकित्सालय में बच्चों के वार्ड फुल हैं, जिसमें अधिकतर बच्चे वायरल बुखार से ग्रसित हैं, तो वहीं डायरिया ने भी अपने पांव पसार लिए हैं। वाराणसी के शिव प्रसाद गुप्त चिकित्सालय के फर्स्ट फ्लोर के कमरा नंबर 13 में बच्चों का वार्ड बना हुआ है। इस वार्ड में करीब 20 बेड लगे हुए थे और सभी पर बच्चे भर्ती थे। ऐसे में हमने बीमार बच्चों के परिजनों से बात करने की कोशिश की, जिसके बाद बेड नंबर 1 पर भर्ती अनाया गुप्ता, इस बच्चे की उम्र 2 वर्ष है और इसे 20 दिनों से बुखार आ रहा था। बच्चे की माँ प्रिया गुप्ता ने बताया कि वो बनारस की कोनिया में रहती हैं। 20 दिनों से बच्चे को बुखार आ रहा है। उन्होंने कई निजी चिकित्सकों से परामर्श लिया, लेकिन बुखार आना बंद नहीं हुआ। कुछ 2 दिन पहले उन्होंने शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय में अपनी बच्ची को भर्ती कराया। वर्तमान में स्थिति बेहतर है। वहीं श्री शिव प्रसाद गुप्त चिकित्सालय के MS डॉक्टर प्रसन्ना कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि हमारे यहाँ वर्तमान में वायरल फीवर के मरीजों की संख्या बढ़ी हुई है। इसमें फीवर, डायरिया और अन्य बीमारी है। बच्चों को लेकर अपने 2 वार्ड बनाए हैं, इसमें 1 एक्सक्लूसिव वार्ड भी है। वर्तमान में 14 बच्चे भर्ती हैं और इलाज की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। इस समय हमारे यहाँ वायरल फीवर के पेशेंट्स हैं की संख्या बढ़ी हुई है, और खास करके वायरल फीवर, डायरिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस और इस तरह के मरीज हमारे पास इस समय ज़्यादा हैं जो मेडिसिन में और पीडियाट्रिक्स हॉस्पिटल में। और अगर जैसे डेंगू के भी पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ बच्चों के लिए हमारे पास 2 वार्ड हम लोगों ने बच्चों के लिए रखा हुआ है। एक एक्सक्लूसिव पीडियाट्रिक वार्ड है, जिसमें से इस समय 14 बच्चों के 14 पेशेंट हमारे यहाँ एडमिट हैं। लेकिन अभी हमारे पास पीडियाट्रिक एज ग्रुप में डेंगू का कोई भी बच्चा हमारे यहाँ एडमिट है। अभी हमने डेंगू के लिए 2 वार्ड हमने बनाए हैं, 10-10 बेड के 2 वार्ड हमारे पास हैं डेंगू के लिए, और पीडियाट्रिक एज ग्रुप के लिए हमने 26 बेड रिजर्व किए। 26 बेड के 2 वार्ड हमारे पास हैं, जिसमें से 14 बच्चे इस समय हमारे पास एडमिटेड हैं। और डेंगू के जो मरीज़ हैं उनको हम लोग या पीडियाट्रिक एज ग्रुप भी है, तो हम वायरल फीवर के जो भी बच्चे हैं उनको हम लोग पहले वायरल फीवर की लाइन पर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अगर CBC में प्लेटलेट काउंट या कुछ इस तरह का लक्षण दिखाई देता है डेंगू जैसा, तो फिर डेंगू का टेस्ट कराते हैं, और उसके बाद डेंगू के हिसाब से अगर वो आई है तो उसको डेंगू वार्ड में रख करके उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है।